नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार बिहार से बाहर लॉकडाउन में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मजदूरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जो लॉकडाउन में फंसे हैं और जिनके रहने और खाने की दिक्कत है। तो मुकेश सहनी की एक और तस्वीर सामने आई है, एक और वीडियो सामने आया है। आज फिर बैंक पहुँचे हैं पैसा लेकर और ज़रूरतमंदों के अकाउंट में सीधे पैसा भेज रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो, किस तरह से पैसा लेकर मुकेश सहनी बैंक पहुंचे हैं और क्या कहा है उन्होंने। जी, लगातार आप जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं, खास करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हुए और प्रवासी मजदूरों के आपके पास बराबर कॉल आ रहे हैं और ये लगातार हमको लगता है आधा दर्जन बार आप बैंक आए हैं। आप क्या लग रहा है कि बाहर में मजदूर की जो समस्या है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, वो तो पूरे भारत में बिहार के लोग फंसे हुए हैं और निश्चित तौर पे खाने पीने का समस्या है। पहले तो 21 दिन के लिए लोग किसी तरीके से कैसे भी दूसरा बदल कर लिया और आज फिर से मोदी जी कल ही 19 दिन का फिर से लॉकडाउन उन्होंने बढ़ाया है। तो खैर, प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय रहा वो देश के हित में है, और लेकिन जनता जहाँ पे भी है, खास करके मजदूर, वो काफ़ी भयभीत है और काफ़ी चिंतित है और खाने पीने का समस्या नहीं है, है तो कैसे भी करके हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे प्रदेश में, देश में जहाँ भी लोग हैं, खास करके बिहार के मजदूर, उनको हम लोग मदद पहुँचाने के लिए निरंतर, आप देख ही रहे कि लगातार हम हमेशा 100, 200, 500 लोगों को सूची लेकर बैंक में मुहैया करा रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाने का कोशिश करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से तमाम पदाधिकारी दिन रात लगे हुए बिहार प्रदेश में जहाँ पे भी जो समस्या उनके लिए यहाँ पे कर ही रहे, अदर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं और हम लोग से भी जितना हो रहा है उतना हम लोग यहाँ पे कॉल सेंटर बना के यहाँ पे लोगों के साथ जानकारी लेकर और विभिन्न विभिन्न खाते में अलग अलग जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग मदद पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारे इधर इसी तरीके से कॉल सेंटर बना रहेगा और एक एक लोगों को सूची ला के और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि लॉकडाउन 2 जो है 19 दिन का चला है, इसमें मजदूर की संख्या और बढ़ती ही जा रही है, तो क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो राहत मिल रही है वो कैसा आपकी नज़र में है? बिल्कुल ही राहत सरकार की तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है और जो भी मतलब हम राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि 1000 रुपये से क्या होगा, कम से कम पूर्व में भी कहे कि 10000 का कम से कम लोगों को आर्थिक मदद करना चाहिए, सरकार के पास खाता है, सूची है, उनको 10000 रुपये मदद करना चाहिए और 1000 रुपये से क्या होना है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने जिनको भी मदद भेजा है उनको जरूरी पड़े तो दोबारा उन लोगों को हम लोग सूची हमारे पास उपलब्ध है, हम लोग मदद पहुँचाएंगे और पहुँचा रहे, लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपने जो जवाबदेही है उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार भाग रही है। लोग कैसे भी करके 21 दिन के लिए पेजेस बना के लोग अदर स्टेट में किसी तरीके से कैसे भी अगल बगल से उधार लेके कैसे भी अपना जिंद चला लिए, लेकिन फिर से 19 दिन का जो पार्ट 2 जो लॉकडाउन हुआ उसमें कहीं ना कहीं आप देख लिए कि कल बांद्रा में, मुंबई में या गुजरात में रेलवे स्टेशन पे हजारों के सेखरा में लोग आए, फिर लाठी डंडा चार जोड़ा, सब भयभीत है। तो सरकार को कम से कम सोचना चाहिए और कम से कम गरीब लोगों के लिए मदद करना चाहिए। और देखिए, ये जो कोरोना वायरस है ये विदेश से लाया गया, अमीर लोगों ने लेके आया और उसको आज भुगत रहा है गरीब लोग। आज भारत सरकार ने अमीर के बच्चे लोग विदेश में पढ़ रहा था उनको लाया यहाँ पे, उनके जरिए ये बीमारी आया है और आज यहाँ पे गरीब मजदूर को बिहार सरकार हो या राज्य केंद्र सरकार हो, बस से या ट्रेन से लाने का उनके पास समय नहीं है, कम से कम उनको लाके अपने राज्य में, अपने जिला में उनको पहुंचाए, ये आज सरकार के पास जवाबदेही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सरकार को ये लॉकडाउन के बाद जवाब देना पड़ेगा कि आखिर विदेश से जो आप लाए जिनको, वो कौन था? वो अमीर का बच्चा था? आप वो जो पढ़ने लिखने के लिए गए उनको लाए? निश्चित तौर पे हम इस बात से हम नहीं कहेंगे कि उनको क्यों लाए, जब उनको ला सकते हैं विदेश से तो हमारे भारत में जो लोग मजदूर कहीं पे फंसे हैं, जिनको 2 वक्त का खाने का ठिकाना नहीं है, वो लोग अगर कहीं फंसा है तो उनको क्या, उनको भी आपका जवाब नहीं है कि ट्रेन से, बस से, किसी तरीके से आपको लाना है? देखिए, यूपी सरकार ने या बिहार सरकार को कुछ पिछले 12 बस से लाया गया, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं हुआ। तो आने वाले समय में अभी भी सरकार से कहेंगे कि उन सबको लाने का, मजदूर का कोशिश करें और खाने पीने का सुख सुविधा उनको मुहैया कराया जाए।
तो बिहार से बाहर लॉकडाउन में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सीधे पैसा लेकर बैंक पहुंचते हैं और वहां से जरूरतमंदों को पैसा ट्रांसफर करते हैं। पहली बार ये तस्वीर सामने नहीं आई है, लगातार वे ऐसा कर रहे हैं और तकरीबन आधा दर्जन बार बैंक जाकर पैसा जरूरतमंदों को ट्रांसफर कर चुके हैं। तो बेहद सकारात्मक पहल कही जा सकती है, सराहनीय पहल कही जा सकती है संकट के इस दौर में, जहाँ कई गरीब लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में, देश के बड़े शहरों में, और उन तक मदद पहुंच रही है मुकेश सहनी के जरिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।